फार्म ड्रग सेट को। इसको हाँ दिखा भाई, इसको 4 दिन लगे फार्म इसको ट्रैक। 4 दिन लगे। एक एक चीज जो अपडेट कर रखी है आपने, सिलेंसर इतना मोटा, आगे आ जाओ एक बार, सिलेंसर इतना मोटा है और जो टायर दे रखे, जो स्टेयरिंग का जो डिजाइन है, आज के दिन जो कौन सी छतरी बम्पर वाली वो बोला करें, फाइबर वाली छतरी। सरपंच साहब एक बार ये चीज दिखा दो भाई, जो करोड़ों रुपए के साधन तो नहीं कहूंगा फिर उन तक कम भी नहीं है, जो इसका टैलेंट है, मल्टी टैलेंट है, यो किसी से कम भी नहीं। ये सामने जो आपने दिखने लग रही है थार है, यो पता नहीं यू नाम साधन तैयार कर दिए थी, थार है लगभग 20-25 लाख की आवा है, ई रिक्शा है 2 लाख की आवा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है वो। अच्छे में टैलेंट इतना है कि इसमें आगे करोड़ों कोई कीमत नहीं। अच्छा हाँ, ये 12 साल की उम्र का बच्चा है, इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसी देख के ये बच्चा 12 साल इसकी उम्र है, 7वीं क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन इतना अच्छा टैलेंट है इस बच्चे में, इसमें करोड़ की तो को वैल्यू नहीं समझते हम। अच्छा हाँ, देख की हर एक गाड़ी, हर एक ट्रैक्टर, ई रिक्शा से लेके ट्रक बस तक ये गत्ते से तैयार करता इस उम्र में। अच्छा, यानी कि इन आविष्कार कर दिया गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, बाइक का, ई रिक्शा का, ट्रक का, सारी चीजों का आविष्कार कर दिया। जो भी कल आप चाहोगे वो एक बार दिखा दो और यो अपने आंखों में फोटो उतार लेगा और गत्ते से उसको तैयार कर सकता है। यानी कि एक बार इसके कैमरा एकदम स्कैन हो गया ना, वो चीज दोबारा बना दे है, और आगे आने वाला टाइम में अगर इसको मौका मिले, अच्छी कंपनी, अच्छे इंजीनियरों के साथ इसको मौका मिले तो कुछ भी आविष्कार कर सकते। चलो एक बार वो चीज दिखा देंगे, बात बाद में करांगे। सरपंच साहब एक बार ये चीज दिखा दो भाई, जो करोड़ों रुपए के साधन तो नहीं कहूंगा फिर उन तक कम भी नहीं है, जो इसका टैलेंट है, मल्टी टैलेंट है, यो किसी से कम भी नहीं। ये सामने जो आपने दिखने लग रही है थार है, यो पता नहीं यू नाम नाम बता भाई इसका क्या है, जल्दी आगे आगे थार थार गाड़ी, थार गाड़ी बैठ के अलग ही बताए के नीचे, यो नीचे के है अगला कर ले तेरा चेहरा भी बता 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 दे, थार गाड़ी, इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा बोला जिसने, ई रिक्शा और ये महिंद्रा ट्रैक्टर, ये मेसी ट्रैक्टर, ये स्वराज ट्रैक्टर, ये फार्म ट्रैक्टर 60 फार्म ट्रैक, वेरी गुड। और यो आगे बिना रंग का जो काम भी अधूरा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, के काम चल रहा है, यू के बना रखा है, यू ट्रक है, 2 मंजिला ट्रक, वेरी गुड। आगे यो 2 सिलेंडर AC, वो आइसर, 2 सिलेंडर आइसर ट्रैक्टर, वेरी गुड। आगे जॉन डियर जोंडियर ट्रैक्टर बना रखा है। ये सारे साधन आपने देख लिए है, ये पीछे बच्चे बैठे हैं, उठ जाएगा क्या, या सारी मेहनत आपकी है, इसके पीछे और कौन है, इसके पीछे और कौन है, और मेरी बेबे है। अच्छा, दोनों वहां से हो गए। अंकल के लग है, इतनी छोटी उम्र में आप और हम थे रेत में लिखिया सिवा को खेलिया कर दे, आज के दिन इसका जो मल्टी टैलेंट देख की है, के कहना है इस बच्चे के लिए, बहुत कुछ कहना है। छोटी सी उम्र में इतने ये साधन तैयार कर दिए थी, थार है लगभग 20-25 लाख की आवा है, ई रिक्शा है 2 लाख की आवा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है वो, आगे बढ़ के बहुत कुछ करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। आज के दिन बालका ही बात करा तो गांव में गलियां घूमते हंड है, भाजते हंड है, नशा करण लायक जे इस उम्र में, तो उससे भी छुटकारा मिला, भविष्य में कामयाबी की मतलब पेड़ियां तो चलने लग रही। हाँ ये देखो, हाँ छोटी उम्र में हमारे गांव में नशे की लत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ऐसे बच्चे हमारे गांव में होंगे तो उससे भी छुटकारा मिलेगा और हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, बहुत बढ़िया टैलेंटेड बच्चा है। बिल्कुल, तस्वीरें शेयर कर दो, मैं एक बार लोकेशन बता देता हूँ। हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव सिसाई गाँव, मास्टर चंदगी राम का गाँव के नाम से जाना जाओ है, और उस गाँव का ये लड़का है अरुण यो लड़का है जिसने इन चीजों का आविष्कार किया है। आड़े दिखा दे भाई, इन चीजों का आविष्कार किया है, उसके पापा तो बात करांगे, कितनी के सपोर्ट करो आप इसकी, पढ़ा है साथ के साथ है कि जिसे काम में लगे रहे, ना पढ़ा भी है जी साथ के साथ, ये भी कर रहा है पढ़ाई भी कर रहा है, तो नू को लगता अब ध्यान भंग होगा, पढ़ लेने दो, पढ़ लग की नौकरी लायक जगह जॉब कर लेगा, ना दोनों में इंटरेस्ट है, इसमें भी है पढ़ाई में, दोनों चीजें में रुचि है। कितना टाइम दोगे, कितने टाइम में बनाए दे, टाइम तो लगे जाए इसमें लगभग 6-7 घंटे एक दिन बनाना, एक गाड़ी या ट्रैक्टर ने बनाना 6-7 घंटे में कंप्लीट कर दे, इतना तेज दिमाग है, हर रोज बना देता है। वैसे आपका बैकग्राउंड है कि किसान हो, काम करो, किसान खेती करते हो, क्या एकड़ की, 12 एकड़ की, वेरी गुड। और मतलब किसका कैसे होगा इसमें, इसे लड़के का है, लड़की, ये गुड़िया का है, ये दोनों बाल भाई से। अच्छा, कै दिन में बना, के नाम गुड़िया बता था, कुसुम काली राम, कै दिन में बनाए थे ये,
ये छोटे वाले तो 2 दिन में तैयार हो गए थे, उसको टाइम लगा, उसको चार कौन से टाइम को, कौन से फार्म ट्रैक सेट को, इसको दिखा भाई, इसको 4 दिन लगे फार्म ट्रैक, 4 दिन लगे। एक एक चीज जो अपडेट कर रखी है आपने, सिलेंसर इतना मोटा, आगे आ जाओ एक बार, सिलेंसर इतना मोटा है और जो टायर दे रखे, जो स्टेयरिंग का जो डिजाइन है, आज के दिन जो कौन सी छतरी बम्पर वाली, वो बोला करें फाइबर वाली छतरी जो लगाई है, ये चीज देख की मतलब माइंड में कैसे, आप किसी की कॉपी करिए, कोई ट्रैक्टर खड़ा था? नहीं जी, पहले स्टार्टिंग जी छोटे ट्रैक्टर से की और फिर इसमें फोन में देख के फिर ये एक बार तस्वीर देखी और फिर ये तैयार कर दिया फार्म ट्रैक। अच्छा, कहीं आपका यूट्यूब चैनल हो, किसी ने और बात करी हो, किसी ने बनवाना हो, आसपास वाले कोई ले गए हो, रिश्तेदार ने दिखाए हो, कोई ले गया है? ना, लेके तो नहीं गई, लेकिन सबके पास गया, सब कहते हैं अच्छे बनाता है, अच्छा काम करता है, अच्छा काम आगे कर सकता है। तो लेटेस्ट अब मतलब और क्या आने वाला है, कम से कम टाइम आजा, नजदीक आजा, तू डर क्या था? अपडेट मतलब जो नई सीधी बात करूं तो आगे कौन सी गाड़ी बना होगा, कौन सा ट्रैक्टर के बना होगा? आगे एटीवी बना, कौन सी होगा? एक तरसकन बिराई बनी के होगा एटीवी, पहाड़े आप चढ़िया करे, ऊंचे नीचे जगह पे जो चढ़िया करे, ऊंची नीचे जगह आप चढ़िया करे, तो कई दिन में बना देगा? वह 2 दिन में, 2 दिन में बना देगा। कोई जो आपके दौरे कोई यूनिवर्सिटी वाला का फोन आ गया, हायर कर लिया, आप एक के बताओ आपके पापा गए ले गया, अड़ते हैं कोई पैकेज अच्छा दे दिया, जानने तैयार हो? कोई नहीं, समझ में आई बात है आपका, समझ में आ गया ना, जो कोई यूनिवर्सिटी वाला देख की, क्योंकि आविष्कार टाइम टाइम के साथ मतलब होता रहा, हर चीज में अपडेट हो, जो कोई इंजीनियर ने देख की, इसने इस आविष्कार ने देख की, इस छोटे इंजीनियर ने कोई ले जाने खातर तैयार हो तो जानने तैयार है? हाँ जी, तैयार है, जानने भेज दे। तो पढ़ाई तो करवाए तो साथ के साथ यू काम भाई, ये पढ़ाई भी साथ के साथ कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों टैलेंट है, पढ़ाई में भी ठीक है, ये बना रहा है साथ के साथ। ये जितने हरियाणा वासी या देशवासी जो देखने लग रहे हैं, इन्हें के अपील करोगे? ये जो छोटा बच्चा है ठीक चल रहा है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर। चलो वीडियो तो शेयर अपने आप कर दे सरपंच साहब, आप बताओ, आप देखो एक गांव के सुने हुए सरपंच, एक सरपंच बलाए हो, आपने सारी चीजा का भी रहा है, आज की जनरेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए, बिगड़ जे है, बहुत सारे बच्चे भी बैठे है पीछे, ये भी इसके शायद साथी होगी, इस बच्चा आपका नियर भाई है, इसने देख की इसने देख की ये कहूंगा मैं तो भाई, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में जो इसने रुचि दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। अपने छोटे थे जब रेतम खेला करते इस उम्र के बच्चे, तो आज के बच्चे टेक्निकल बच्चे, माइंड बहुत तेज है इनका, और इनमें मादा है कुछ करके दिखाने का, और इनको अगर मौका मिले तो ये देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, मौका मिले तो देश का नाम रोशन कर सकते, छोटे से लेके बड़े तक किसी भी इंजीनियर, थॉमस एडिसन को याद कर लीजिए, एक बल्ब का आविष्कार कराया था उन्हें, 10,000 बर लगभग प्रशिक्षण कराया था, जिसकी एक लाइट के अंदर सारी दुनिया आज सोन लग रही है, 10 रुपए का बल्ब, 10,000 बार प्रशिक्षण कराया था थॉमस एडिसन ने, वो भी इसकी तरह छोटा बच्चा, जिस टाइम छोटा बच्चा था उस टाइम उसने भी पागल कर दे लोग, पागल है पागल, जो ठीक आज तक में भी नहीं लगता हो आपने, आज तक में भी नहीं लगता हो यो आविष्कार जो कर रखा है, जो ट्रैक्टरों का है, गाड़िया का है, जो सारी चीजा का, आज चाहे आपने यू कुछ भी ना लगता हो, अरे कलाकारी तो करी है, घूमने की बजाय, दौड़ने की बजाय गलिया में अपना दिमाग तो चलाया है, अपना टैलेंट तो दिखाया है, ठीक उसी तरह से एक दिन यू भी थॉमस एडिसन होने वाला है, जो सपोर्ट घर की, परिवार की, या आगे जाने के बाद सरकार की मिल जाए तो। ठीक बात से, इस तरह के बच्चों ने पूरे सब ने सपोर्ट करनी चाहिए, और इस तरह के बच्चों से दूसरे बच्चे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, ये और बच्चे बैठे हैं, इन पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव जाएगा इसका, और अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, इसके लिए हम तो भगवान से दुआ करते हैं भाई आगे कामयाब हो। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, आप भी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ फोटो देख के, अनिल कुंबले के साथ, पता नहीं किस किस के साथ, एक यू भी एक देश का अनिल कुंबले होने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में, 2 मिनट में क्लियर कर दो। देखो अलग अलग होता है बच्चे का टैलेंट, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई पढ़ाई में है, इसका टैलेंट इसमें है, ये जो नया आविष्कार कराया इसने, और ये ऐसे नहीं है भाई, इसके बच्चे सहपाठी बैठे हैं, उनको भी ये साथ लेके चलेगा, ये अकेला नहीं, इनको भी पूरा, इनकी पूरी कंपनी बच्चों की, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, घूमने की बजाय अपने घर पे बैठ के कुछ कार्य कर रहे हैं, साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे हैं, यानी कि पढ़ाई तो करे करे उसके बाद अपना काम लग जाए, वो दाएं बाएं नहीं घूम रहे ना बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छे लड़के हैं सारे, और सारे मिलजुल के कर रहे हैं, ज्यादा ये कर रहा है, ये इसके साथी हैं, ये आपके साथी सारे, ये किस किस चीज में सहयोग करवा रही है? सारी चीज में सहयोग करा, जो भी पार्ट बनाना है, टायर बनाना है इसका, छतरी बनानी है, या मडगार्ड शो बनाना है, उसमें मदद करवा, पेंटर कौन सा इनमें? पेंटर तो मेरे बेबे।
अच्छा पेंटर अच्छा, और दूसरा इंजीनियर कौन सा है? ऊक आग बनाना, टायर बनाना, इंजन बनाना, वो तो आपे बनावे, आपे बनावे। चलो आपका क्या नाम भाई? क्रिश। क्रिश, आप क्रिश? अच्छा आप? आशीष। आशीष। मैं रोहित। रोहित। संयम। संयम। आगे आ जा कैमरे का, आगे आ जा तू भी। विवेक। विवेक, ये चीज कह दिन होगी बना दिन देखियो तो आगे जा रहा, कह दिन होगी? दो, एक महीना हो गया लगभग। एक महीने में सारी चीज बना दी? वेरी गुड। रोज देखो इसके तो रोज आओ तुम? जी वैसे तो स्पोर्ट में खेलने जाते हैं हमारे स्टेडियम में, वो जो फैसिलिटी करवाई थी, और कभी कभी आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या कैसे हुआ हुआ है, और हम भी कुछ सीखते हैं इनसे। यानी कि आपके मन में भी होता होगा इस तरह की चीज हम भी बनावा? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। आपने केला के आप भी बनाओगे? मेरे पास दो ट्रैक्टर है, वैसे तो इसी ने करे थे, वे भी कुछ मैंने करे थे। अच्छा, यानी कि थोड़ा योगदान आपका? हाँ हाँ, मैंने भी फिर ये भी, अब मैंने भी ट्रेलर बनाया लेकिन वैसे ऐसे बनाते हैं। चलो सर, चलो चलो, आपका लास्ट में केयर होगा, या आप इनकी अरुण की जो सिस्टर हो आगे आ जाओ एक बार, आपका केयर होगा क्योंकि आपने पूरा हरियाणा के जो बच्चे देखने लग रहे हैं, आपने सबने जो देखने लग रहे हैं, इसमें के योगदान होगा? पहले ने बताओ पढ़ो कमी में हो आप? मैंने ट्वेल्थ कर रखी। ट्वेल्थ में कितना टाइम खर्च करा है इनके ऊपर, के कहोगे इन बच्चों जो और देखने लगे? सिर्फ यही कहना चाहूंगी, इसको देख के आप भी बनाने की कोशिश करें, किसी चीज में अपना भी योगदान देने की कोशिश करें। बिल्कुल। आपका कोई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कोई अकाउंट हो, कोई वीडियो डालते हो इनके बनाने की, तो ये आपकी वीडियो देखने खातर तैयार है और आपकी सपोर्ट करेगी, वो अकाउंट का नाम बता दो आपने बना रखे? जी यूट्यूब पे बना रखा है, अरुण कालीरमन सिसाई नाम था। बिल्कुल, जो YouTube के ऊपर अरुण सिसाई कालीरमन के नाम से है ना, अरुण कालीरमन सिसाई के, अरुण कालीरमन सिसाई के नाम से YouTube के ऊपर इन्होंने अपना अकाउंट बनाया रखा है। जो ये सारी चीज दिखने लग रही है ना आपने, ये सारी चीज उस YouTube के ऊपर छोटी छोटी क्लिप में आपने मिलेगी, सारी चीज मिलेगी। तू भी आओगा? तू भी आओगा सामने? आओगा, आ जा पकड़े करेगा अंकल, आ जा। तेरा के योगदान रहो है, के नाम है भाई? कैमरामैन था तुम्हारा? हितेश। हितेश, तेरा के योगदान है, अच्छा लगा इन्हें देख की बनांदा ने, के कहना चाहोगा? अच्छा लगा मुझे ये देख के कि ये मेरे दोस्त अच्छे से कर रहे हैं, मैं भी बनाऊंगा आगे। चलो सरपंच साहब धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। चलो भाई इस वीडियो ने जी लाके शेयर कर दियो, सिसाए गाँव से ये आप तस्वीर देखने लग रहे थे, जो ये मल्टी टैलेंट वाला अरुण जो लड़का निकला है सिसाए गाँव में, आविष्कार करण लग रहा है, मल्टी टैलेंट होने वाला है कुछ समय के बाद, अभी से तो उम्र 13 साल बताएगी। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो आप, और अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, ऐसे होगी कैमरामैन के साथ, मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।